हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है पेगासस कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ ये है कि एसएससी ने भारतीय मौसम विभाग के अंदर एक भर्ती निकाली है और वो आपकी वैकेंसी दे रखी है। 990 पोस्टें आपके लिए आई है, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। ये क्या वैकेंसी है, इसका पैटर्न क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या आपकी एज है, इस पूरी वैकेंसी के बारे में अपन बात करते हैं। तो एसएससी आपकी बार बार इस बार अच्छी पोस्टें लेके आ रही है। चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं, भारतीय मौसम विभाग के बारे में। चलिए, ये जो आपकी एग्जाम है इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था थोड़े दिन पहले। ये है आपके पास में साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ये एग्जाम आपकी कब होने वाली है, भारतीय मौसम विभाग की। ये अच्छी आपकी इंस्पेक्टर के लेवल की नौकरी है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसके आप सभी को किस किस को फॉर्म अप्लाई करना है, क्या पैटर्न रहेगा, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका एसएससी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और इसका आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बच्चों आप 30/9/2022 से लगाकर 18/10/2022 तक, मतलब इस महीने की आप 18 तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये जो आपका एग्जाम होने वाला है कंडक्ट, ये आपका एग्जाम होगा दिसंबर 2022 के अंदर। तो सभी बच्चों को इसका फॉर्म भरना है, किस किस को भरना है उसके बारे में मैं बता देता हूं। आपका जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो होगा दिसंबर के मंथ के अंदर। चलिए, इसके अंदर कौन फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखिए, इसके अंदर जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो रही है वो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो बीएससी बैकग्राउंड से हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से हैं, या फिर मैं ये कह दूं साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे यहां पर फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जिसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर कहीं ना कहीं फिजिक्स आई हो वो बच्चे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। और आपकी जो मिनिमम एज है बच्चों 18 साल से लगाकर आपकी मैक्सिमम एज 30 साल तक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम आपका एक ही पेपर होगा, तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म आपको कब अप्लाई करना है, 18 साल से लगाकर 30 साल तक के बच्चे सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर आपकी साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी फिजिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के अंदर आपकी आनी चाहिए। चाहे आपकी बीएससी करी हुई हो, चाहे आपकी कंप्यूटर साइंस से बीटेक करी हुई हो, तो भी आपकी चलेगी। चलिए, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का जो आपका पैटर्न है वो का वो सेम यहाँ पर आपका पैटर्न रहने वाला है, ध्यान दीजिए। तो आपके पास में यहाँ पर रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहेंगे वो 25 रहेंगे, जो कि सीजीएल के अंदर भी यही होता है, लेकिन सीजीएल के अंदर ये क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यहाँ पर 1 नंबर का रहेगा। चलिए, यहाँ पर यदि अपन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, मैथ्स की बात करें, तो इसके भी आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि अपन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसके भी 25 होंगे। यदि अपन जनरल अवेयरनेस मतलब जीके की बात करें तो ये भी आपके 25 नंबर है। ये है आपका पार्ट फर्स्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, ठीक है। इसी के साथ में, मतलब ये पेपर एक ही है, इसी के साथ आपका जो पेपर है सेकंड नंबर, उसके अंदर आपके फिजिक्स आएगी या फिर आपके कंप्यूटर साइंस दे रखी है, फिर आपको दे रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। ये जो पेपर होगा आपका, इसके आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा टोटल वो दिया जाएगा 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा, और आपके ये 200 नंबर का पेपर होने वाला है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ध्यान दीजिए, जिन बच्चों के फिजिक्स है कंप्यूटर साइंस है ये सब्जेक्ट अच्छा होता है, उन बच्चों के ये कमजोर होता है, जिनके ये होता है उनका ये कमजोर होता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे, मतलब रीजनिंग मैथ इंग्लिश जीके हो और फिजिक्स हो, ये जोक संजोक कम बैठते हैं, तो जिन बच्चों की ये क्वालिफिकेशन है वो बच्चे जरूर फॉर्म भरिए। तो सभी बच्चों को धन्यवाद।